वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सस्पेंस फिल्म तलाश। इस मूवी की कहानी काफी सस्पेंसफुल है, साथ ही इस मूवी में आंखों को नम कर देने वाली इमोशनल कहानी के साथ साथ बदले की भावना भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में एक कार डिसबैलेंस होकर समंदर में गिर जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह सुबह एसीपी शेखावत को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। एसीपी शेखावत इंस्पेक्टर कुलकर्णी के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ये जान पाते हैं कि गाड़ी डिसबैलेंस होकर समंदर में गिर गई थी, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान रास्ते पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद कार को समंदर से निकाला जाता और कार में मुंबई के सुपरस्टार अरमान कपूर की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम करने के बाद अरमान कपूर की लाश उसके परिवार वालों को दी जाती है। अगले सीन में अरमान की पत्नी बताती है कि अरमान हर वक्त अपने ड्राइवर और सेक्रेटरी के साथ घूमता था और उस दिन भी वो शूटिंग के लिए अपने ड्राइवर के साथ गए थे। एसीबी शेखावत बाकी ऑफिसर को ऑर्डर देकर अरमान के ड्राइवर और सेक्रेटरी को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ अरमान के बेस्ट फ्रेंड संजय को अरमान की मौत की खबर मिलती है। संजय काम की वजह से बाहर जा रहे थे, लेकिन अरमान को देखने के लिए वो एयरपोर्ट से वापस लौट जाता है। उधर एक लंगड़ा आदमी तैमूर शशि नाम के एजेंट को अरमान की मौत की खबर देता है। ठीक तभी मल्लिका नाम की एक लड़की उसे अरमान के बारे में पूछती है। शशि गुस्से में मल्लिका को थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि ऐसे प्राइवेट बातें सबके सामने हमें नहीं करनी चाहिए। इधर अरमान के घर में अरमान की शोक चल रही थी। इस बीच संजय भी अरमान के घर पर पहुंचता है। उधर इंस्पेक्टर कुलकर्णी एसीबी को बताता है कि उस रात अरमान देर रात तक शूटिंग कर रहा था और काम खत्म करने के बाद वो अकेला घर वापस जा रहा था, लेकिन अरमान को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसके बावजूद भी वो खुद ड्राइव कर रहा था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि शूट से घर तक पहुंचने के लिए 40 मिनट का समय लगता है, लेकिन उस रात शूटिंग से निकलने के 2 घंटे बाद अरमान का एक्सीडेंट हुआ था और 2 घंटे तक वो बाहर रास्ते पर था। दूसरी तरफ शशि एक कोठे पर जाकर निर्मला नाम की लड़की को अपने साथ ले जाने से मना करता है। शशि एक एजेंट था और वो लड़कियों का सप्लाई करके कोठे से कमीशन लेता था। शशि ने निर्मला का मजाक उड़ाया था, इसलिए निर्मला को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन तैमूर सबके सामने निर्मला की तारीफ करता है। कुछ देर बाद रास्ते में पुलिस ऑफिसर्स को देखने के बाद से ही शशि काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए घर जाने के बाद शशि दूसरे शहर में जाने का फैसला लेता है। ठीक तभी तैमूर शशि के लिए नया सिम लेकर आता है। अब शशि के जाने के बाद तैमूर शशि का पुराना सिम कार्ड चुरा लेता है। इधर एसीपी शेखावत के घर पर फैमिली डिनर चल रहा था। शेखावत की दोस्त उससे अरमान और उसके केस के बारे में पूछने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से शेखावत की पत्नी रोशनी कमरे में चली जाती है और उसके जाने के बाद सभी लोग रोशनी के बारे में पूछने लगते हैं। रोशनी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उसके बेटे करण की मौत हो गई थी। शेखावत भी अपने बेटे को लेकर काफी दुखी रहता था और वो ठीक तरह से सो नहीं पाता था, इसलिए उसे इंसोम्निया की बीमारी हो गई थी। पूरी रात वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह शेखावत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी टीम के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है। एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी और इस वजह से जांच करने के बाद भी ऑफिसर्स को केस का पहला सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। उधर रोशनी अपने घर का काम कर रही थी। ठीक तभी उसकी पड़ोसी फ्रैनी उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। रोशनी फ्रैनी के लिए नाश्ता बनाने लगती है और मौके का फायदा उठाकर फ्रैनी रोशनी के घर की चीजों को चेक करने लगती है। इस बीच फ्रैनी को करण की फोटो फ्रेम मिलती है। फ्रैनी फोटो फ्रेम से बातें करने लगती है। उधर एसीपी शेखावत इन्वेस्टिगेशन के लिए अरमान के घर पर जाते हैं। उस दौरान संजय अरमान के घर पर था। अरमान की पत्नी शेखावत के साथ संजय की इंट्रोडक्शन करवाती है। शेखावत अरमान की पत्नी से अरमान की पर्सनल लाइफ और एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है। अरमान की पत्नी पहले तो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो बताती है कि उस रात शूटिंग के बाद अरमान 20 लाख रुपए लेकर जा रहा था, लेकिन उसके बाद अरमान का एक्सीडेंट हो गया और 20 लाख रुपए भी चोरी हो गए। इस बारे में जानने के लिए शेखावत अरमान के सेक्रेटरी और अकाउंटेंट को बुलाता है। सभी से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि अरमान शूटिंग के बाद अकाउंटेंट से 20 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। अरमान हर महीने अकाउंटेंट से पैसे लेकर किसी सेफ जगह पर छिपाया करता था।
इस बीच ड्राइवर कहता है इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी रकम ऑफिस से घर में शिफ्ट की गई है, लेकिन पैसों को सही जगह पर पहुंचने का काम अकाउंटेंट खुद संभालता था। शेखावत अकाउंटेंट की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, लेकिन पूछताछ के बाद ऑफिसर्स को पता चलता है कि अकाउंटेंट पैसे देने के लिए काफी बार होटल लिडो में जाया करता था और एक दिन काम के चक्कर में अकाउंटेंट ने मुर्गन नाम के आदमी को 10 लाख रुपए दिए थे। पूछताछ करने के लिए एसीपी शेखावत होटल लिडो में जाता है और उसे पता चलता है कि मुर्गन उस होटल में अब काम नहीं करता है। इधर शशि एक आदमी को कॉल पर धमकी दे रहा था। शशि कहता है मुझे बाकी के 30 लाख रुपए जल्द से जल्द चाहिए। शशि किस आदमी से पैसे मांग रहा था ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अगली सुबह शेखावत के सोसाइटी में एक फंक्शन चल रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ फंक्शन अटेंड कर रहा था। इस बीच फ्रैनी शेखावत को छिप छिप कर देख रही थी और फिर वो शेखावत का पीछा करने लगती है। फ्रैनी शेखावत को बताती है कि मेरे पास तुम्हारे बेटे करण का मैसेज है। करण का नाम सुनने के बाद शेखावत को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैनी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते जाते फ्रैनी कहती है, करण ने मुझसे कहा था दादा को मेरी चिंता करने से मना करना और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहना। रोशनी को काफी अजीब लग रहा था और वो फ्रैनी की पूरी बात सुनना चाहती थी, लेकिन शेखावत गुस्से में उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। रोशनी शेखावत से पूछती है कि फ्रैनी को कैसे पता चला कि करण तुम्हें दादा कहकर बुलाता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और शेखावत गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। शेखावत अपने बेटे को काफी याद कर रहा था और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि शेखावत अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। इस बीच एक दिन करण अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेल रहा था। खेल खेल में करण मोटर बोट चालू कर देता है जिसके बाद वो नदी में गिर जाते हैं। शेखावत जैसे तैसे करण के बेस्ट फ्रेंड को बचा लेता है। इस एक्सीडेंट की वजह से करण की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट सीन, शेखावत गाड़ी रोक देता है। ठीक तभी वहाँ रोजी नाम की एक लड़की पहुंच जाती है। रोजी एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो शेखावत को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शेखावत कहता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अंदर करवा सकता हूँ। अब रोजी कहती है मैं तुम्हारे साथ होटल लिडो में जाना चाहती हूँ। होटल लिडो के बारे में कुछ डिटेल्स जानने के लिए शेखावत रोजी को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और अब शेखावत रोजी को मुर्गन नाम के आदमी के बारे में पूछता है। रोजी बताती है कि मुर्गन होटल लिडो में काम नहीं करता है और अब वो इस शहर में भी नहीं रहता है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है इसलिए वो गांव चला गया है और उसकी खराब तबीयत की वजह से मैनेजर ने उसे होटल से बाहर निकाल दिया था। मुर्गन की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद शेखावत रोजी को गाड़ी से उतार देता है, लेकिन जाते जाते रोजी कहती है इस केस में मैं आपको बहुत काम आऊंगी। एसीबी शेखावत ऑफिसर कुलकर्णी को मुर्गन के गाँव जाने के लिए कहता है। गांव जाने के बाद ऑफिसर कुलकर्णी इन्फॉर्म करता है कि मुर्गन की हालत काफी ज्यादा खराब है और होटल लिडो में शशि के कहने पर वो अकाउंटेंट से पैसे लेने के लिए आया था। अगले सीन में शेखावत अपनी टीम के साथ शशि के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचता है। शशि घर पर नहीं था लेकिन मल्लिका उसके घर पर थी। मल्लिका बताती है शशि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया है इसलिए मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। शशि को ढूंढने के लिए शेखावत उसके गाँव जाना चाहता था। मल्लिका से एड्रेस लेकर शेखावत शशि के गांव जाता है। गांव में शेखावत तैमूर से मिलता है। तैमूर बताता है कि शशि गांव में नहीं है और वो काफी दिनों पहले गांव से बाहर जा चुका है। तैमूर शशि के लिए काम करता था इसलिए पुलिस ऑफिसर तैमूर को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करने के बाद तैमूर को छोड़ दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद तैमूर शशि के पुराने सिम कार्ड की मदद से एक आदमी को कॉल करता है। कॉल करने के ठीक कुछ देर बाद दूसरा आदमी कॉल बैक करके बाकी बची पेमेंट लेने के लिए मेले में जाने की बात करता है। वो दूसरा आदमी कॉल के दौरान तैमूर को शशि समझ रहा था। अगले सीन में शेखावत इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस बीच वो रोजी को देखकर उसका पीछा करने लगता है। शेखावत रोजी को बताता है कि तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन सही थे लेकिन क्या तुम शशि को जानती हो। रोजी कहती है मैं शशि को जानती हूँ लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जाते जाते रोजी शेखावत को केस से जुड़ी एक क्लू देती है लेकिन उस वक्त शेखावत उसके क्लू को समझ नहीं पाता है। और अब रात के समय शेखावत अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। वो ठीक तरह से सो नहीं पा रहा था इसलिए शेखावत गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तैमूर निर्मला के साथ ड्रिंक्स ले रहा था। तैमूर कहता है शशि काफी बड़ा गेम प्लान कर रहा है लेकिन उसके प्लान में सबसे बड़ा फायदा मेरा होगा। अगली सुबह रोशनी घर पर काम कर रही थी। ठीक तभी घर की बेल बजती है। घर के बाहर कोई भी नहीं था लेकिन दरवाजे के पास एक लेटर पड़ा हुआ था। ये लेटर करण के नाम से लिखा था। लेटर पढ़ने के बाद रोशनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है।
ये लेटर फ्रैनी ने रोशनी के लिए लिखा था। फ्रैनी सोल से बात कर सकती थी, इसलिए वो रोशनी को करण के बारे में बताना चाहती थी। ये लेटर देने के बाद रोशनी फ्रैनी की मदद से अपने बेटे से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। अगले सीन में शेखावत केस के बारे में सोच रहा था, ठीक तभी उसे रोजी की बातें याद आने लगती हैं और उसे केस का नया क्लू मिल जाता है। ऐसे भी शेखावत को लग रहा था कि शशि की मौत हो गई है और शशि के बारे में जानने के लिए शेखावत ऑफिसर कुलकर्णी को शशि की लाश ढूंढने के लिए कहता है। मॉर्गू में शशि की डेड बॉडी मिलती है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि गोली लगने की वजह से शशि की मौत हुई थी। शशि के अड्डे पर छानबीन करने के बाद काफी सारा पैसों का बैग भी मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलने के बाद निर्मला तैमूर को पुलिस ऑफिसर्स और शशि की इन्फॉर्मेशन देती है। इधर तैमूर शशि के घर में छानबीन कर रहा था और उसे एक सीडी मिलती है। सीडी को प्ले करने के बाद हम देखते हैं अरमान कपूर अपने दो दोस्त और रोजी के साथ होटल से बाहर निकल रहे थे। रोजी को देखने के बाद तैमूर उसे पहचान लेता है, क्योंकि काफी सालों पहले रोजी का एक्सीडेंट हो गया था और वो शशि के घर पर थी। शशि के कहने पर तैमूर रोजी के लिए डॉक्टर लेकर उसके घर पर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में तैमूर को कुछ नहीं पता है। उधर मल्लिका की किडनैपिंग हो जाती है, कुछ गुंडे उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में शेखावत अरमान के घर पर पूछताछ करने के लिए जाता है। इस वक्त संजय भी अरमान के घर पर था। पूछताछ के दौरान संजय को तैमूर का कॉल आता है। तैमूर संजय को धमकी देकर 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। तैमूर ये सब कुछ रोजी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि रोजी उसके साथ मिली हुई थी। अब घर जाने के बाद संजय अपने पिता को बताता है कि निखिल की मौत बालकनी से गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। निखिल संजय का दोस्त था और उसके एक्सीडेंट के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया था। इधर शेखावत अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। पहले तो दोनों काफी खुश थे, लेकिन इस बीच वो लोग करण के बेस्ट फ्रेंड और उसकी फैमिली से मिलते हैं। शेखावत को करण की बातें याद आ रही थी, इसलिए वो किसी से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। रोशनी को शेखावत का बिहेवियर बहुत बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। रोशनी को घर पर छोड़ने के बाद शेखावत गाड़ी लेकर उसी जगह पर जाता है जहां वो अक्सर रोजी से मिला करता था। शेखावत रोजी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे रोजी का सपोर्ट अच्छा लगता था। रास्ते में उसे रोजी मिलती है और वो उसके गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स शेखावत को रोजी के साथ देखकर अजीब तरह से बातें करने लगते हैं। शेखावत का मूड अच्छा करने के लिए रोजी शेखावत को समंदर किनारे ले जाती है। रोजी बताती है कि मैं अरमान के दोस्त निखिल को जानती हूँ और 3 साल पहले अरमान और उसके दोस्त के साथ मैं घूमने के लिए गई थी। इसके कुछ दिनों के बाद सिमरन नाम की एक लड़की अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन उस लड़की के लिए ना तो किसी तरह का केस बना और ना तो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की गई थी। अब शेखावत रोजी से पूछता है कि तुम मेरे साथ यहाँ मिलने के लिए क्यों आती हो। रोजी कहती है, मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें काफी कुछ बताना चाहती थी। अगले सीन में शेखावत निखिल से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और वहां से उसे निखिल की कंडीशन के बारे में पता चलता है। इधर संजय के ऑफिस में मीटिंग थी। तैमूर संजय को कॉल करके धमकी देने लगता है। कुछ देर बाद शेखावत काम खत्म करने के बाद घर पहुंचता है, लेकिन रोशनी घर से गायब थी। घर की छानबीन करने के बाद उसे फ्रैनी का दिया हुआ लेटर मिलता है और फिर वो रोशनी को ढूंढने के लिए फ्रैनी के घर पर जाता है। फ्रैनी की मदद से रोशनी अपने बेटे से बात करना चाहती थी। गुस्से में शेखावत रोशनी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन रोशनी शेखावत को डांटने लगती है। इस लड़ाई के बाद शेखावत रोजी से मिलने के लिए समंदर किनारे जाता है और फिर वो रोजी से मिलता है। शेखावत काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए रोजी शेखावत को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। शेखावत रोजी को अपने बेटे के बारे में बताता है और फिर रोजी उसे मेंटली सपोर्ट करती है। कुछ देर बाद रोजी कहती है, मल्लिका को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम उसे छुड़ा लो। शेखावत रोजी की बात मानकर सो जाता है। इतने सालों में आज वो ठीक तरह से सो पाया था। अगली सुबह शेखावत मल्लिका को छुड़ाने के लिए कोठे पर जाता है जहां उसे जबरदस्ती धंधा कराने के लिए लाया गया था। मल्लिका को छुड़ाने के बाद शेखावत उसे एक एनजीओ में ले जाता है। मल्लिका शेखावत को थैंक्स कहती है, लेकिन शेखावत कहता है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है बल्कि रोजी ने तुम्हारी मदद की है। मल्लिका कहती है कि मैं किसी रोजी को नहीं जानती हूँ। ये जानने के बाद शेखावत काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मल्लिका को शशि और अरमान के बारे में पूछता है। मल्लिका बताती है, शशि और अरमान एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन उन दोनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आपको तैमूर से पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन तैमूर शशि के घर छानबीन करने के लिए गया था। उधर तैमूर संजय को रेलवे स्टेशन में सारे पैसे देने के लिए कहता है।
तैमूर इस केस में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो निर्मला को भी अपने प्लान में शामिल करता है। अगली सुबह तैमूर रेलवे स्टेशन में जाकर संजय से पैसे लेकर निर्मला को दे देता है। इस बीच संजय के आदमी तैमूर का पीछा कर रहे थे। जैसे तैसे तैमूर वहां से भागने लगता है, लेकिन संजय के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। काफी देर तक वेट करने के बाद निर्मला स्टेशन से चली जाती है। इधर संजय के आदमी तैमूर को बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन तैमूर को इस केस की सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए संजय तैमूर को मारने के ऑर्डर्स देते हैं। ठीक तभी वहां रोजी चली आती है। संजय के आदमी तैमूर को मारकर भागने लगते हैं। मरते वक्त तैमूर सिमरन का नाम ले रहा था और ये बात आसपास के लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं। अगले सीन में शेखावत संजय के आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेखावत को इस आदमी के बारे में पता चल गया था। मरने की धमकी देकर शेखावत किलर को उसके बॉस के बारे में पूछता है। किलर बताता है कि मैं संजय के लिए काम करता हूं और मुझे तैमूर और शशि को मारने के लिए हायर किया गया था। इधर ऑफिसर कुलकर्णी सिमरन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन काफी देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि सिमरन नाम की लड़की 3 साल पहले मर गई थी। कुछ देर बाद एसीपी अपनी टीम के साथ संजय को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है और अब संजय फाइनली अपनी गलती कन्फेस करता है। आज से ठीक 3 साल पहले मैं अरमान, निखिल और सिमरन के साथ बैचलर पार्टी एंजॉय करने के लिए गया था। सिमरन एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसके साथ मस्ती करते करते गलती से बीच रास्ते में सिमरन और निखिल गाड़ी से नीचे गिर गए थे। पुलिस केस से बचने के लिए हमने निखिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और फिर शशि सिमरन को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया था। सिमरन इस एक्सीडेंट के बाद मर गई थी, लेकिन सिमरन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं शशि काफी सारे पैसे दिया करता था। साथ ही उसके मरने के बाद शशि ने मुझे और अरमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अरमान के एक्सीडेंट के दिन शशि ने 20 लाख रुपए चुराए थे, इसलिए मैंने कुछ किलर्स को हायर करके उसका मर्डर करवा दिया। इस बारे में तैमूर को भी पता चल गया था, इसलिए वो भी मुझसे एक्सपोज करने की धमकी देकर मुझसे पैसे मांगता था। सब कुछ एक साथ खत्म करने के लिए मैंने तैमूर को भी मरवा दिया। अब सिमरन के बारे में बताने के लिए संजय एक वीडियो फुटेज दिखाते हैं, जिसमें उन लोगों का चेहरा दिख रहा था। सिमरन को देखने के बाद शेखावत कहता है, ये लड़की रोजी है और ये अभी भी जिंदा है। रोजी और शशि ने पैसों के लिए तुम्हें बुद्धू बनाया है। शेखावत जल्द से जल्द रोजी को ढूंढने के ऑर्डर्स देता है और फिर वो संजय को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते में शेखावत को गाड़ी के पीछे रोजी दिखती है, लेकिन पीछे घूमते ही रोजी गायब हो जाती है। शेखावत काफी ज्यादा घबरा जाता है। ठीक तभी गाड़ी के सामने रोजी चली आती है। खुद को बचाने के लिए संजय गाड़ी की स्टेयरिंग घुमा देता है और वो समंदर में गिर जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से संजय की मौत हो जाती है। पानी में गिरने के बाद रोजी शेखावत को बचा लेती है और रोजी की वजह से शेखावत पूरी तरह से ठीक था। ये एक्सीडेंट ठीक उसी जगह पर हुआ था जहां अरमान की मौत हुई थी और उन दोनों का एक्सीडेंट सेम तरीके से हुआ था। इसमें हम ये समझ पाते हैं कि रोजी ही सिमरन है जिसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी। अपनी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वो अपने मर्डरर्स को मारने की कोशिश कर रही है। अपना बदला लेने के लिए रोजी यानी सिमरन ने एसीपी शेखावत और तैमूर का इस्तेमाल किया। अगले सीन में शेखावत काफी ज्यादा परेशान था। शेखावत रोजी की सच्चाई जानने के लिए समंदर किनारे उसे ढूंढने के लिए जाता है। काफी ढूंढने के बाद वहां उसे रोजी का ग्रेव मिलता है। रोजी की मौत के बाद उसे जैसे तैसे दफनाया गया था। शेखावत रोजी की बॉडी को बाहर निकालता है और उसकी लाश के पास रोजी की फेवरेट रिंग मिलती है। इस रिंग को वो हर समय पहनकर रखती थी। अब रोजी की आत्मा की शांति के लिए उसकी डेड बॉडी को हिंदू रिचुअल्स के अनुसार जला दिया जाता है। मूवी के एंड में शेखावत को अपने बेटे का लेटर मिलता है। ये लेटर फ्रैनी ने करण से बात करने के बाद रोशनी को दिया था। लेटर में लिखा था कि दादा आप मेरी मौत के जिम्मेदार नहीं है, इसलिए आप और माँ उदास मत रहना। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों हमेशा खुश रहना। लेटर पढ़ने के बाद शेखावत रोने लगता है और उसे सपोर्ट करने के लिए रोशनी उसे गले लगा लेती है। अब दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ समंदर किनारे कुछ आदमी कॉशन साइन लगा रहे थे, क्योंकि रोजी की वजह से वो जगह एक्सीडेंट जोन बन गई थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो।